गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो अच्छे ही रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक भी मत खाना। गर्मियों का सीजन है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का मौसम है, पर उसको बिल्कुल मत खाना, ठीक है? क्योंकि उस समय ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। कल मैंने जो यूनिफॉर्म और बुक की शॉप के बारे में बताया था, वो मैंने मंडे टू थर्सडे बोला था। मंडे टू थर्सडे नहीं, मंडे एंड थर्सडे को शॉप खुलेगी, ठीक है? सिर्फ दो दिन, हफ्ते में सिर्फ दो दिन, मंडे और थर्सडे को, मतलब सोमवार और गुरुवार को। तो आप इन्हीं दो दिन जाके बुक परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप ये बुक परचेज़ कर लें। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था W फॉर वॉच, आज बताऊंगी X फॉर एक्समस ट्री, ठीक है? X फॉर एक्समस ट्री कैसे बनाएंगे? एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे, एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे। इस डॉट को इस डॉट से मिला दो क्रॉस करके, और इस डॉट को इस डॉट से मिला दो क्रॉस करके, बस X फॉर एक्समस ट्री बन गया। ये हमें ये X फॉर एक्समस ट्री बनाना है, ठीक है? अभी वन पेज इसको करो बेटे, ओके? और वन पेज होमवर्क में कर लेना, ठीक है? X फॉर एक्समस ट्री, कल इसमें लिखवाया था जा से जहाज, आज लिखवाऊंगी झा से झंडा। ये ई इमली बन गया, ई इमली जैसे मैंने बनाना बताया था, ई इमली बन गया। फिर यहाँ एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन से इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये बन गया झा से झंडा। फिर से देखो, ई इमली बनाना सिखाया है मैंने, ई इमली बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन से इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया झा से झंडा, ठीक है? जहाँ से झंडा, जहाँ से झरना, ओके? अब बारी आती है मैथ की। अब मैथ में ये 1 to 10 काउंटिंग है, लेकिन मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखा है, मैंने इसको उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है? तो ये आपको सीधा लिखना है बिल्कुल, मैंने ये उल्टा सीधा लिख दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिख दिया, ये आपको यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे लिखना है। जैसे इसमें पहले सबसे पहले क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, ये आपको इसमें ढूंढना है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 कहाँ गया, 4 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, ये आपको इधर सीधा करके लिखना है, ठीक है? ये आज अभी तो करो, फिर होमवर्क में, ठीक है? जिससे क्या पता चलेगा कि आपको कितना आता है, पहचान किस किस की आपको, ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क यही है, ओके बेटा?